बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास लेट एक्स बी दी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। नंबर वन पे है डिटरमाइन द क्लियर ऑफ एनी सबसेट ए ऑफ एक्स, और नंबर टू है डिटरमाइन द डेंस सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इसके रिलेटेड एग्जांपल करेंगे, फिर हम ये जो हमारे पास हमने फाइंड करना है वो उससे कंक्लूड करेंगे कि क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सेट एक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए और बी। इस पर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बनाते हैं। इस पर टास्क डिनोट कर रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाएगी फाई एक्स ए और बी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इस वजह से है क्योंकि एक्स के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। ठीक है, अब हमने फर्स्ट में हमें कहा गया कि आप कंक्लूड करेंगे कि क्लियर किसी भी सबसेट जो कि एक्स से हम लेंगे तो उसका क्या होगा, और डेंस के बारे में पूछा गया है। ये इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर के लिए हमें क्लोज सेट्स चाहिए, तो क्लोज सेट्स फाइंड कर लेते हैं। क्लोज सेट्स हम इस तरह निकालेंगे कि एक्स में से टा के जो हमारे पास जो सेट्स हैं उनको माइनस करेंगे। एक्स माइनस फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई। अब एक्स में से ए निकालेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, बी। अब एक्स में से बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब हम कोई सेट ए ले लेते हैं। ठीक है, ए मैं ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका क्लियर किसके बराबर होगा, क्लियर हम जानते हैं क्लोज सुपर सेट्स के बराबर होता है। तो बी के क्लोज सुपर सेट्स कौन से हैं, बी और एक्स। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, क्या मेरे पास आ जाएगा, बी। ठीक है, अब मैं एक कोई और सेट ले लेता हूँ ए। अगर मैं इसका क्लियर फाइंड करना चाहूँ तो इसके क्लोज सेट्स हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, क्लोज सेट्स हमारे पास ये ए है और एक्स है, क्लोज सुपर सेट, तो इनका इंटरसेक्शन, तो वो क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कोई और ले लेता हूँ, ये भी एक्स हम जानते हैं एक्स का सबसेट होता है, तो ये मैं कोई और ले लेता हूँ सबसेट, ए एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, जब मैं एक्स इसका क्लियर निकालूंगा तो एक्स का हमारे पास क्लियर किसके बराबर होगा, एक्स के क्लोज सुपर सेट के बराबर होगा, और एक्स का क्लोज सुपर सेट सिर्फ हमारे पास एक्स है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हम जो भी सबसेट ले रहे हैं उसका क्लियर उसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें उसने पूछा था कि आप एनी सेट ए का आप बताओ कि उसका क्लियर क्या होगा, तो इसका जवाब आएगा कि ए का क्लियर ए के बराबर होगा। ठीक है, तो सेकंड ये था हमारे पास डिटरमाइन द डेंस सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, और डेंस की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर उस सबसेट का क्लियर एक्स के बराबर आ जाए तो वो उसमें डेंस होता है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक्स ही ऐसा सेट है कि एक्स का जो क्लियर है वो हमारे पास एक्स आ रहा है। ये हमने क्या लिया था, एक्स लिया था ना, एक्स का क्लियर क्या आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह अगर आप उसकी वैल्यू पुट करें, अब देखें ए किसके बराबर, एक्स के, इधर मैं एक्स, एक्स का क्लियर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स। तो हमारे पास सिर्फ एक्स ही एक ऐसा सेट है कि जिसका अगर हम क्लियर लेंगे तो वो एक्स के बराबर आएगा। अब मैं इधर रिजल्ट जो है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट का मैं आंसर लिख रहा हूँ। फर्स्ट में उसने हमें से पूछा कि डिटरमाइन द क्लियर ऑफ एनी सबसेट ए ऑफ एक्स। ठीक है, यानी ए का क्लियर क्या होगा। ठीक है, तो आपके सामने मैंने आपको बताया कि जो सेट आप लोगे उसका क्लियर उसके बराबर होगा। तो इसका फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा ए का क्लियर किसके बराबर होगा, ए का, ए में। ठीक है, यानी जिस जो भी आप सेट लोगे उसका क्लियर उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड में उसने हमसे पूछा था कि आप बताओ कि डिटरमाइन दी डेंस सबसेट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोई ऐसा सेट बताओ जिसका क्लियर एक्स के बराबर आए। तो वो हम देख सकते हैं वो सिर्फ हमारे पास एक्स है। जब हम एक्स का क्लियर लेते हैं वो किसके बराबर आ जाता है, तो एक्स। तो इधर हम लिख देंगे एक्स इज दी ओनली डेंस सबसेट, एक्स इज द ओनली डेंस सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, कि एक्स हमारे पास एक ऐसा सबसेट है जिसका जो क्लियर है वो उसके एक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एग्जांपल की है जिसमें एक्स में हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं। आप कोई और एग्जांपल ले लें जिस हो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। ठीक है, तो आप लोगे तो फिर भी यही रिजल्ट कंक्लूड होंगे। ठीक है, ये वीडियो इधर ही कंप्लीट हो रही है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस बआसानी पहुँच सकें। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश कि अपने वालदैन की इज़्ज़त कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।